through my bones. I keep on dancing with your pheromones, and I feel alive. धन्यवाद। बैठिए आप लोग। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार इंडिया। दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी शानदार तालियों के लिए, शानदार स्वागत के लिए, कितनी शानदार अरेंजमेंट के लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ू उसके पहले मैं ग्रेटिट्यूड फील करना चाहता हूँ, एक ग्रेटिट्यूड बताना चाहता हूँ कि इतना शानदार मौका बनाया। वास्तव में एक हिस्टोरिकल डे है हमारे लिए। पूरी सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से हमारे लीडर्स मेहनत कर रहे हैं और उसका ये परिणाम है कि आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने एक मॉडल सेट किया है जो आज तक कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में, इंडिया की किसी भी कंपनी में आज तक सेट नहीं किया। और आपके टॉप लीडर्स ने आपको करके दिखाया हुआ। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ पर मौका देने के लिए। मैं सबसे पहले मैं माधव सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना शानदार ट्रिप इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ। यदि मैं आज तक के जितने भी ट्रिप्स की यदि बात करूंगा तो उसमें सबसे बेस्ट ट्रिप की यदि कोई बात करूंगा तो सिर्फ ये ट्रिप की बात करूंगा। एक डिसिप्लिन है और बहुत शानदार तरीके से हम एक वाइब्रेशन में सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय पाल जी का, जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय पाल जी, आपका बहुत बहुत बधाई भी हो। मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा युवा दिलों की धड़कन जसवीर जी का। हमारे बीच में हमारे बहुत ही चहेते लीडर हैं सत्येंद्र प्रसाद जी। हमारे साथ में हैं, हमारे बीच में हैं परशुराम जी। जब ऐसी लीडर हमारे साथ में है तो हमको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने जो मिशन बनाया है, हमने जो सक्सेस के लिए जो मंजिल तय करी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ बैठे हुए एक एक शख्स की वो मंजिल जरूर पूरी होगी, 200% मंजिल पूरी होगी। लेकिन मैं देख रहा था कि जब हम लोग यहाँ पर आए, सारे लोग आकर के बैठ गए तो एक चीज कहीं ना कहीं मिस दिख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी एक चीज मिस आउट हो रही है। और मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रिया मैडम किसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन मैं आप लोगों की तालियों के साथ में यहाँ पर उनको यहाँ स्टेज पर बुलाऊंगा, जो पूरी महिलाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है और जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज ये इतना बड़ा कारवा, इतनी सारी महिलाएं इंस्पिरेशन के साथ में काम कर पा रही है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे
मैनेजर बनने के लिए सपने देखा करते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ माधव जी को और प्रिया मैडम को अपना अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों अब हमारे पास में बिल्कुल गिने चुने कुछ मिनट्स रह गए जिसमें हमें अपनी बात करनी है और शायद इस सेशंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया होगा और इस सेशंस का निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा इंतजार भी होगा। लेकिन जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं तो हम मौज के बस्ती में रहते हैं और कुछ अलग मूड में रहते हैं, हमें लगता है कि बस मस्ती ही चलती रहे। और आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 दिनों में हमें शायद घर की भी याद नहीं आई है, न हमें अपनी टीम की याद आई है। हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो वास्तव में ऐसा लगता है कि बस चलते ही रहे और कहीं स्वर्ग से कम नहीं है। बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं अपने मम्मी और डैडी को लेकर के सिंगापुर उनको स्टार क्रूज में सैर कराने के लिए लेकर के गया। जब उन्होंने पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखा और सिंगापुर यदि देखो तो बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन जिस तरीके से वो डेवलप किया गया है, जिस तरह से वह डिसिप्लिन है, वास्तव में देखने के काबिल है। जरूर हर इंसान को जो इंडिया में है उसको जाकर के जरूर देखना चाहिए, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, तो पता चलेगा कि तरक्की क्या होती है और सिविलाइजेशन क्या होता है। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सपने सच जरूर होते हैं, बस शिद्दत से देखने की जरूरत पड़े। कहा है ना कि एक पत्थर तबीयत से आसमान में सुराग हो नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तबीयत तो पत्थर उछाल करके देखो आसमान में सुराग तक हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जब भी मैंने दिशा ट्रेनिंग ली, जब से स्टार्ट किया था तब से मेरा एक सपना था, हर बैच में मैं एक ड्रीम बनाता था और अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ में बात करके मैं शेयर करता था कि एक समय ऐसा आएगा जब अपनी जिंदगी में 1000 डायमंड्स के साथ में स्टार क्रूज पर जाएंगे। वो सारी चीजें आज यहाँ चरितार्थ करती हुई दिख रही है। वास्तव में अभी मैं देख रहा हूं कि ऊपर वाले जो भी लोग बैठे हुए हैं ना उनकी सीटों में शायद वो पेस्ट लगा हुआ है, गोंद लगी हुई है। तो वैसे हम लोग यहाँ 700 लोग हैं लेकिन आपको पता है कि स्टार क्रूज की बुकिंग और अनाउंसमेंट्स बहुत पहले कभी अनाउंसमेंट हो जाता है। जब बुक करने गए तो बहुत मुश्किल से हमारे पास में आ तो गए थे 1000 प्लस लोगों की, मतलब हमारे पास में रिक्वेस्ट आ चुकी थी, पैसा भी आ चुका था लेकिन somehow ऐसा कुछ रहा कि हम 700 लोगों का ही कंफर्मेशन करा पाए। तो टारगेट तो हमने अचीव कर लिया था लेकिन ये जो बचा हुआ है ये अगली ट्रिप जो है सिंगापुर के लिए माधव जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आप उसमें रहने वाले हैं कि नहीं, और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके साथ में कितने लोग रहने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर 1000 लोग तो मेरे होंगे बाकी आप ढूंढ लेना साथ, ऐसा कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो ये ध्यान रखें। मैं उस बात को फिर से कंटिन्यू करूंगा कि जब फर्स्ट टाइम मैं अपने मम्मी डैडी को लेकर के सिंगापुर गया तो वहां पर केबल कार में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, केबल कार में ट्रेवल करके किसी एक डेस्टिनेशन पर जाना था और ऊपर से मेरी मम्मी ने जब नीचे का नजारा देखा तो समुन्द्र में जो है बहुत सारे इसी तरह के क्रूजेस जो थे, इंटरनेशनल क्रूज जो थे, बहुत बड़े बड़े क्रूज जो थे, उन्होंने जब देखा वहां का डिसिप्लिन देखा, वहां की चमक देखी और लोगों को बहुत डिसिप्लिन में खुश मिजाज लोगों को देखा तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकली कि स्वर्ग भी इससे ज्यादा सुंदर होगा क्या, उनके मन में जो कल्पना चल रही थी।
तो वास्तव में ये बिजनेस है जो आपको स्वर्ग से ज्यादा चीजें महसूस कराता है, और पिछले 1.5 दिन से आप सारे लोग महसूस कर रहे हैं। ऑफिस में एक दो काम की बातें आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। मैं आपके साथ में कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन बना के लेके आया हूँ और कुछ जरूरी नोट्स बना करके लेके आया हूँ। मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, आपने मेहनत करके एक मुकाम को तो हासिल कर लिया है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अबाउट टू डायमंड होंगे, अबाउट टू एमरल्ड होंगे, अबाउट टू किसी एक पोजीशन पर होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायमंड और डायमंड से ऊपर की पोजीशन पर भी होंगे। लेकिन हमारा बिजनेस ये नहीं है कि हम किसी एक पोजीशन पर पहुंच जाए और हम बोले कि हम तो सक्सेस हो गए। वास्तव में सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द जर्नी। यदि आप देखोगे तो डायमंड लेवल तो मैंने बहुत पहले अचीव कर लिया था। मैं खुश हो सकता था कि भाई मैंने अचीवमेंट कर लिया है, अभी आगे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर एक मिशन बना है कि नहीं, जब डायमंड बन के सारी चीजें हासिल हो सकती है तो डबल डायमंड के लिए ट्राई करना चाहिए, और फिर डबल डायमंड को हिट किया। नेक्स्ट करते 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 आज मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल पर हूं। मैसेज क्या है आपके लिए? मैसेज सिर्फ यही है कि आपने मेहनत करके एक पोजीशन को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। मजा तब है जब कंटिन्यूएशन में आपकी अर्निंग आती रहे, जब कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लाई होकर के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में जब आपके साथ में ग्रोथ मिलती रहेगी, तब वास्तव में काम का मजा है। और आज वही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जहां पर स्टेबिलिटी के साथ में आपके पास आपके चेक लगातार आते रहे। क्योंकि मैं देखता हूं कि जब लोग काम करते हैं तो दर्द एक ही होता है कि हर आदमी की एक लैग तो बड़ी अच्छे से चल जाती है, दूसरी टांग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम एक यहाँ पर शो देख रहे थे, ड्रामा देख रहे थे, उसमें उसकी एक टांग खराब थी, ठीक है? तो वैसे ही सारे लोगों की हालत होती है यहाँ पर। तो ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो रही है, यदि वो हम फाइंड आउट कर लें तो क्या रहेगा, मजा आएगा। तो आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि आप सारे के सारे दमदार लीडर हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसको मजबूती के साथ में समझना है और समझ के कहाँ मिस्टेक्स हो रही है उसको देखने की कोशिश करना है। कैन वी स्टार्ट द स्लाइड शो? जस्ट वी वॉन्ट टू स्टार्ट। आंखें और मुस्कान, ये क्या ना ऑडियो चल रहा है, उसके चलने का तरीका, ऑटोमेटिक आवाज, हाँ बस, यस। सो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। कुछ गिनी चुनी स्लाइड्स हैं जिनके माध्यम से मैं आपके साथ में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। नंबर फर्स्ट तो यह है कि मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ऐसी शिक्षा कंपनी मिली, ऐसे पास महान डायरेक्टर हुए जिन्होंने हम जैसे आम इंसान को हाथ बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाया, जहां पर इस समाज का सबसे निचले हिस्से का व्यक्ति भी अमीर बनने का सपना देख सकता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। ऐसे महान डायरेक्टर को हम सभी लोग मिलकर नमन करते हैं, और उनका जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आगे मैं आपके साथ में जो भी शेयर करने वाला हूं, यस, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, आज हम क्या लर्न करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट तो ये है कि विजन मिलेगा, ठीक है? विजन का मतलब क्या होता है? ये आंखें, मैं आंखें निकाल के दे भी दूंगा ना तो उसको दिखना भर शुरू हो जाएगा, लेकिन जो उसके आगे की चीज होती है उसको हम विजन बोलते हैं। और विजन का मतलब होता है अनदेखे को देख लेना, एक ऐसी चीज जो आज मौजूद नहीं है, आज वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन एक विजनरी आदमी जो होता है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठा लेता है और तय कर लेता है कि नहीं, मुझे इस चीज के लिए करना है। और कई बार तो लोग पागल बोलते हैं लोगों को, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लीडर्स काम कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत काम कर रहे हैं, जुनून के साथ में काम कर रहे हैं, कई बार उनको पागल की संज्ञा दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि उनको तो दिख रहा है, लेकिन बाकी परिवार के लोगों को नहीं दिखता है, भाई बंधुओं को नहीं दिखता है, रिश्तेदारों को नहीं दिखता है, समाज के किसी आदमी को नहीं दिखता है, वो चीज देख लेता है। और वास्तव में
इस बिजनेस में जब पहली बार मैंने किसी तरह की किसी वर्कशॉप को सेमिनार को मैंने वो वर्कशॉप में हमने एक इंटरनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया था, वहां पर देखा था, देखने के बाद में हमें विजन मिल गया था, हमने देख लिया था अपने आप को कि ये बिजनेस इंडिया में कहां जाने वाला है। वास्तव में बहुत तकलीफें आई, लेकिन जो विजन था उस विजन ने हमको सस्टेनेबल रखा, उस विजन ने हमको काम करने के लिए मजबूर किया, और उसी विजन ने जो देखा हुआ था उसने हमको मोटिवेटेड रखा, और यही वजह थी कि हम कामयाब हो पाए। हमने कभी भी इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में 1% भी कभी हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आज आप जो है, आज जो कुछ चल रहा है उसको देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एक आम इंसान कोई भी देख लेता है, लेकिन जो आज नहीं है उसको भी फ्यूचर में देख लेना कि ये कंपनी कहाँ जा रही है, आपके लीडर्स कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, इस चीज को देख लेना। आज यदि आपने ये देख लिया तो वो विजन है। कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको शेयर करूंगा कि आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कहाँ जाने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग में आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए, बीच में आपको तकलीफ आएगी, काम करने में तकलीफ होगी, लीडर छोड़ के जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी आपको कोई लीडर मतलब अच्छा काम करेगा, कोई काम नहीं होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, ये सब कुछ पार्ट ऑफ द बिजनेस है। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि वास्तव में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहां जाने वाली है, बताओ आप काम करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं रहोगे। मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, वही विजन आपको वास्तव में सस्टेनेबल रखने वाला है। ये थोड़ा सा है ना इसका, ये मेरे को दूसरा मोटिवेशन मिलेगा। कुछ 5 गोल्डन में आपके साथ में सूत्र शेयर करूंगा जिनको ध्यान में रखेंगे आप, जब जब भी आपको गलती होगी, जब जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो 5 गोल्डन रूल्स को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा 6 बैड हैबिट्स भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है हमारे साथ में हो, और कुछ बैड हैबिट्स ऐसी होती है जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, रहने के बावजूद भी हम उसको इग्नोर करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं आपके साथ में ये कुछ बातें आज के इस प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसका ये थोड़ा सा सही तरीके से काम कर लेगा तो मेरा रिदम बनेगा और टाइम बचेगा। अच्छा, उस साइड है ना, इसको पूरा टर्न कर दो, बस, वेरी गुड, यस, ठीक है, अभी काम कर रहा, बहुत बढ़िया से काम कर रहा, बढ़िया। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, ये कहां पहुंचने वाला है, इसका फ्यूचर इंडिया में कहां पर है, वो यहां बैठे हुए एक एक लीडर्स को जरूर पता होना चाहिए। जब पता होगा तो निश्चित तौर पर अंदर आपका काम करने का अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा, आपके काम करने के तरीके पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जब हमने काम शुरू किया था आज से 2002 में, मैंने 2002 में किया है, कंपनी ने जो है 2001 में 2000 में कंपनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये जो पीरियड था बीच का वो डिलेमा वाला पीरियड था, कुछ पता नहीं था लोगों को कि क्या होगा कैसा होगा। उस समय बहुत सारे स्कैम्स भी होते थे, उस समय ये बोला जाता था, समझाई दी जाती थी, घर के लोग परेशान रहते थे, समाज में रिश्तेदार बोला करते थे, इस इंडस्ट्री को कोई बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, और हमेशा संशय रहता था कि आज हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, कंपनी कितनी देर चलने वाली है, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, ये सारे कहीं ना कहीं सवाल हुआ करते थे। लेकिन आपको पता होगा कि जब रिवॉल्यूशन आता है, जब क्रांति आती है, तो वो धीरे धीरे एक शेप लेती है और क्रांति कुछ इसी तरीके से पैदा होती है। जब मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद में 2016-2014 में वो आई, काम करना शुरू किया, लेकिन 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस आई, वहां से पूरी दिशा और दशा इस पूरी इंडस्ट्री की पूरी तरीके से बदल गई। और जब 2016 में गाइडलाइन आई तो हम थोड़ा सा सिक्योर फील करने लगे, लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर बनाने के बारे में सोचने लगे, जितने भी अनएम्प्लॉयड जो भी ग्रेजुएट्स थे, जो भी पढ़े लिखे लोग जिनको जॉब नहीं मिलता, जब इस इंडस्ट्री में इस तरीके से गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया तो उनको बहुत बड़ी आशा की किरण नजर आनी शुरू हो गई। और 2018 में यदि आज की बात करेंगे तो आज जो है आसपास ही समझो कि पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके हैं, फ्रेमवर्क जो बनाया गया है
रेगुलेटरी के लिए जो लीगल रेगुलेटरी के लिए जो फ्रेमवर्क बना गया है बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। आज के पहले जब भी कोई केस होता था तो उसको मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट जो कि बहुत पहले कभी कभी 1976 में कभी बनाया गया था उसी में सारे केसेस को देखा जाता था, जबकि ये नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस पे काम किया और हमारे लिए बहुत शानदार फ्रेमवर्क बना करके दिया। ट्रांसपेरेंट पे प्लान्स जो आज हैं हमारी इंडस्ट्री में वो आज के पहले कभी भी नहीं थे। कोई भी कंपनी आती थी फास्ट मनी देख करके जुड़ जाओ कितने दिन काम चलेगा, और कई बार मनी रोटेशन हो जाता था, लोग काम करने वाले इतने टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं थे और कई बार धोखा खा जाते थे और कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी। आज हम पूरी तरीके से उससे बाहर हैं। आज जितने भी पे आउट होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एक एक पैसे की जो आप मेहनत करते हो एक एक पैसा आपके घर पर ये कंपनी पहुंचा करके देती है। और जबकि यदि बात करें तो स्टेट्स ऑफ कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितने भी कंप्लाइंसेज हैं, जितने भी अदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आप जिस जीएसटी की बात कर लो, चाहे आप इनकम टैक्स की बात कर लो, चाहे आप लेबर लॉ की बात कर लो, जितने भी कंप्लाइंसेज होते हैं उन सारे कंप्लाइंसेज को पूरा करने वाली इंडिया की पहली कंपनी है, उसका नाम मैं फखर से लेता हूं, उसका नाम है स्टेट। ये वही कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, जितने भी ये लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ये किसके फेवर में बनाए गए? कस्टमर फोकस्ड अप्रोच रखी गई है कि कस्टमर जब एज ए कस्टमर उसमें ज्वाइन करता है तो दो तरह से लोग आते हैं इसमें। एक वो है जिनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद में वो कंजम्पशन करते रहते हैं, उनको काम से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है कि जो प्रोडक्ट्स कोई भी बायर परचेस करता है, कस्टमर परचेस करता है, उसको 100% सेटिस्फेक्शन देना। इसीलिए रिटर्न की पॉलिसी जो है वो 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ में आज हमारी कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से इस बिजनेस में कर रही है। और ये कंप्लाइंस जो है किसी और में नहीं है, गवर्नमेंट ने सारे के सारे फ्रेमवर्क किए हुए हैं। आप समझ रहे बात को? तो कस्टमर के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम्स दैट हेल्प डायरेक्ट सेलिंग फीचर्स, जितनी भी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसने संकल्प लिया हुआ है कि हमारी जो कंट्री है इसको एक एडवांस कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में स्थान दिलाना है। और इनके कुछ एक इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे, उसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड तो यही था कि मेक इन इंडिया का एक कंसेप्ट लेकर के आए थे कि जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ कहां बनेगा, वो इंडिया में ही बनेगा। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिनको कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंडियंस कंज्यूम कर रहे हैं, और जिनको बेनिफिट मिल रहा है वो सारे के सारे इंडियंस है। तो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है हमारी कंपनी पूरी तरीके से उसको फॉलो करती है। यदि आप बात करोगे तो एम्पावरिंग फीमेल्स, जितनी भी महिलाएं हैं, जिस तरीके से पुरुष लोग काम करते हैं, जेंट्स काम करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से यदि वर्ल्ड वाइड यदि आप सर्वे देखोगे तो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज ये डायरेक्ट सेलिंग का जो ऑप्शन है। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो जो घरों में काम किया करती थी उनका जो जिंदगी थी एक कहीं ना कहीं किचन तक सीमित थी, आज आप देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उनको किचन से बाहर निकाल के एक लीडर बनाने के लिए एक मौका जगह शुरू कर दिया। आज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग प्रांतों से आई हुई हैं। मैं थोड़ा सा एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं एक एक बार अपने स्थान से खड़े हो जाए प्लीज। अपने बहुत सारी महिलाएं हैं जोरदार तालियां, अभी तक सबसे जोरदार तालियां। इंडिया स्टार्टअप, यदि किसी देश को आगे लेकर के जाना है तो खुद के स्टार्टअप को हम कितना ज्यादा कर सकते हैं। तो इंडिया स्टार्टअप जो एक कंपनी का मतलब आज मोदी गवर्नमेंट का जो एक
प्रोजेक्ट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए इंटरप्रेनर्स आ रहे हैं उनको कैसे मौका देके देश में कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले 5 साल में जितने नए इंटरप्रेनर्स आए हैं उतने इंटरप्रेनर्स आज तक कभी भी पिछले कितने भी सालों का आप देखोगे 50 सालों का इतिहास उतना कभी भी नहीं आया है। और यदि डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो ये वास्तव में एक ऐसा बिजनेस है जो आपसे शुरू होता है, आपको ये ओनरशिप देता है और आप इस पूरे प्रोजेक्ट में एज ए इंटरप्रेनर इसमें ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं और अपना खुद का एक नया बिजनेस बहुत कम लागत में करते हैं, ठीक है। दूसरा, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम जूम पर मीटिंग कर लेते हैं, पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, हमें जो ज्वाइन कराना है पैसे को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है और पैसा मतलब मनी मतलब पैसे को हाथ लगाए बगैर हम पैसे को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ संभव हो सकता है तो वो हमारी कंपनी ने करके दिखाया है और बहुत बखूबी कर करके दिखाया है।